नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों की गिरफ्तारी की चर्चाओं ने एक बार फिर सियासी घमासान तेज कर दिया है। दरअसल एक और योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने अवैध हथियार के मामले में दोषी ठहराया है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की CGM कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामले में तंज कसते हुए सपा नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि इतनी तेज तो भाग मिल्खा भाग वाले मिल्खा सिंह भी नहीं भागे होंगे, जितनी तेज से बीजेपी के मंत्री सजा की फाइल लेकर कोर्ट से भागे हैं। सपा नेता संजय निषाद को लेकर कहा कि हमने सुना है कि वो यूपी से भागे हुए हैं। योगी सरकार का पूरा कैबिनेट गिट्टी चोर और मिट्टी चोरों से भरा हुआ है। साल 1991 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता और वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान से पुलिस ने एक अवैध हथियार बरामद किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है, जिसमें उनके ऊपर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 कोर्ट के सजा सुनाने से पहले अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर फरार होने के आरोप लगे हैं। मामले में CMM कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ कानपुर में कोतवाली थाने में FIR के लिए तहरीर दी है। वहीं योगी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गोरखपुर के CJM कोर्ट ने संजय निषाद को 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। बता दें, साल 2015 में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सहित कई लोगों के खिलाफ बलवा आगजनी, तोड़फोड़ और 7 CLA की धारा में केस दर्ज कराया था। संजय निषाद के खिलाफ भीड़ को भड़काने, तोड़फोड़ और आगजनी जैसी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 14 जनवरी 2016 को जमानत मिलने के बाद संजय निषाद जेल से बाहर आए। बता दें, इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 10 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए हैं। योगी सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ कोर्ट का आदेश आने के बाद एक बार फिर सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। एक और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान है। राकेश सचान 31 साल पहले समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। उस दौरान पुलिस ने उनके पास से एक अवैध असलाहा बरामद किया था। मामले में कानपुर की एक कोर्ट उनके खिलाफ सजा सुनाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही आरोप है कि राकेश सचान कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर अपने वकील के साथ फरार हो गए, जिसके बाद जो पेशकार था उसने वहाँ पे एक संबंधित थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक शिकायत भी दर्ज कराई है। पूरे मामले में राकेश सचान का कहना है कि उनकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो अपने घर आराम के लिए चले गए थे। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। साल 2015 का मामला है। निषाद पार्टी जो है वो आरक्षण को लेकर एक आंदोलन कर रही थी। आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया था, जिसमें तकरीबन 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। संजय निषाद के ऊपर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा था। इसी मामले में गोरखपुर की एक कोर्ट ने संजय निषाद को 10 तारीख तक कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए हैं। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन का कहना है कि योगी सरकार के मंत्री मिल्खा सिंह से तेज भागते हैं, यही वजह है कि कोर्ट का आदेश आने से पहले ही वो प्रति लेकर फरार हो गए हैं। विजय अनुराग के साथ डेली इंसाइडर लखनऊ। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।